गाइस, आज डलगोना कैंडी बनाने का डे 12 है, तो मैं इसे पान कैंडी के साथ बनाऊंगी, बनारसी पान कैंडी। तो देख सकते हैं ये कैंडी कितनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल हार्ट शेप की बनी हुई है, दिल बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ बना करके ट्राई करते हैं। इससे पहले मैंने बनाई थी लेमन कैंडी, इसकी वजह से मेरा तवा देखिए कैसे चमक रहा है। यहाँ पर तवे में मैंने सारी कैंडीज डाल दी और देखिए ना ये दिल कैसे पिघल रहा है, उसके ऊपर मैंने चीनी डाल दी। गाइज, अगर आपका भी दिल थोड़ा सा भी पिघलता है ना इस वीडियो को देख करके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पर जैसे ही पूरी कैंडी पिघल गई ना, मैंने इसमें डाल दिया बेकिंग सोडा, और जैसे ही बेकिंग सोडा डाला ना, इसके तो चेहरे की लाली ही सारी चली गई। देखिए ना कैंडी कैसे सफ़ेद सी पड़ने लग गई, तो मजाक था। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा डाला, उसके बाद कैंडी को कुछ देर मैंने और तवे पे पकाया और फिर इसे बटर पेपर के ऊपर निकाल लिया, इसे फ्लैट करने की कोशिश की। उसके बाद मैं इसमें अब शेप देने वाली हूँ, तो शेप स्क्वायर ही देंगे क्योंकि पिछली बार भी मैंने स्क्वायर शेप ही दी थी। और यहाँ पर देखिए ना, साइड में जो लगा था ना, वो कितना क्रिस्पी सा हो गया, कितना अच्छा। करके देख लें कैसा बना, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कितना शाइनी लग रहा है। और पता है इसके अंदर ना पान के दाने, ये आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये सब इसमें थोड़ी सी पान बनाते वक्त जो मसाले डाले होते हैं ना, वो सारे मसाले नजर आ रहे हैं, थोड़ी सॉफ्ट। वो भी पीछे से अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो, सॉफ्ट के दाने वाने जो है ना वो इसमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब खा करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। वाओ, टूट रही है शेप में, थोड़ा स्टिकी है, देखिए कितनी खूबसूरती से टूट रही है। वैसे ठीक ही टूटी है ये, ठीक है शेप। देखिए शेप कितनी अच्छी स्क्वायर में आई है ना, तो आप इसे खा करके देखे, इसी में से खाएंगे ना। बहुत अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं बनारसी पान खा रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। तो शेप और टेस्ट में मैं इसे 10 out of 10 देना चाहूँगी। अब बाकी की बात तो आप ही मुझे बताओगे, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इसमें मैं पास हुई या फिर फेल।